दरभंगा मधुबनी बिस्फी थाना स्थित पतौना ओपी के बरदाहा गांव में 3 मजदूरों की मौत, शौचालय की टंकी का सेटिंग खोलने के दौरान हुआ हादसा। वहीं 5 मजदूरों में 3 मजदूर की मौत डीएमसीएच में हुई है, 2 का इलाज बिस्फी के सावित्री अस्पताल पड़मा में चल रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह 9 बजे अपने ही गाँव में कैलू बासवान की करीब 15 फीट गहरी टंकी सफाई के लिए बारी बारी से 5 लोग अंदर गए और कोई वापस नहीं आया। फिर एक महिला ने पानी में हलचल देख आवाज लगाई तो लोग दौड़े और इन लोगों को छटपटाते देखा। लाइन काटा, प्रशासन को सूचना दिया और जेसीबी बुलाकर टंकी को तोड़ा गया। तब उन लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। बिस्फी मरवा के निजताल ले जाया गया। 2 लोगों की स्थिति सामान्य देख भर्ती कर दिया गया। 3 लोगों की स्थिति काफी खराब देख उनको डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बाद में कहा कि सुबोध को गिर गया, सुबोध गिर गया, उसी में गिर गया, उसी में। इसके बाद में हम पिलाने लगे, सब कर रहा मस्ता था, हम भी जाने लगे। इसके बाद में ऐसा हमको पकड़ लिया, सब पकड़ने के बाद में जी मामला ये था कि बाथरूम का जो हौद है वो हौद था, उसमें काम चल रहा था तो शटरिंग हटाने का जो उनका टाइम आया था तो मिस्त्री गया था शटरिंग हटाने। वहाँ पे निजी लोगों का ये कहना है कि उसमें करंट था, तो पहले मिस्त्री गया उसको करंट लगा, उसके फिर मिस्त्री का भाई है मदन पासवान वो गया उसको बचाने, उसको भी लग गया। उसके बाद सुबोध शाह गया वो भी उसके साथ रह गया। उसके बाद बचे 2 लड़का तो वो भी गया तो वो भी उसी में रह गया। और यहाँ आने के बाद जो है डॉक्टर ने उसको देखा तो उनको मृत्यु घोषित कर दी। कैलू पासवान का वो मकान, संजय पासवान और मदन पासवान और सुबोध शाह, तीनों बरदाहा के रहने वाले हैं, जिसमें संजय पासवान जो है वो 28-29 वर्षीय है। उनका जो 2 भाई थे, दोनों भाई चले गए 9:30 के आसपास की घटना है। मेरा नाम उत्तम पासवान है, मैं रिश्तेदार हूँ संजय पासवान, वो हमारे दमाद जी लगते हैं रिश्ते में।